जैसे कि आज हम टॉपिक एमसीबी का लेके आए हैं और एमसीबी में बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप एमसीबी आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रही है। आज इनके बारे में हम बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कौन सी एमसीबी कहाँ यूज होगी, एमसीबी हमारे घर के लिए प्रयोग क्या उसकी ट्रिपिंग। इस एमसीबी से 3 से 5 गुना अधिक करंट ट्रांसफर होता है। उस कंडीशन में एमसीबी 0.04 से 13 सेकंड में ट्रिप हो जाएगी। यदि यह एमसीबी 10 एम्पेयर की है और इस एमसीबी से 30 से 50 एम्पेयर करंट फ्लो होता है तो यह एमसीबी 0.04 से 13 सेकंड में ट्रिप हो जाएगी। इसीलिए यह एमसीबी अधिकतर घरों में प्रयोग की जाती है। सी टाइप एमसीबी का प्रयोग हम इंडक्ट लोड के लिए करते हैं। इंडक्ट लोड में हमारी मोटरें आती हैं। यदि इस एमसीबी में 5 से 10 गुना करंट फ्लो होता है तो यह एमसीबी 0.04 से 5 सेकंड में ट्रिप हो जाएगी। इस एमसीबी का प्रयोग हम मोटर के लिए करते हैं। डी टाइप एमसीबी का प्रयोग हैवी लोड के लिए किया जाता है, वेल्डिंग मशीन के लिए करते हैं। यदि इस एमसीबी में 10 से 20 गुना करंट फ्लो होता है तो यह एमसीबी 0.03 से 3 सेकंड में ट्रिप हो जाएगी। इस एमसीबी का प्रयोग हैवी लोड के लिए किया जाता है। के और जेड टाइप एमसीबी सेंसिटिविटी एमसीबी बोला जाता है। जैसे के टाइप एमसीबी 8 से 12 रेटिंग करंट अधिक निकलता है तो 1 मिली सेकंड में ट्रिप हो जाती है और जेड टाइप एमसीबी में 2 से 3 रेटिंग करंट अधिक निकलता है तो यह एमसीबी भी। अब हमारे सब्सक्राइब सोच रहे होंगे कि एमसीबी के ऊपर तो 6 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, 32 एम्पेयर, 64 एम्पेयर मेंशन रहता है। वो एमसीबी उतने एम्पेयर की अकॉर्डिंग बनाई गई है, पर जो ट्रिपिंग टाइम है वो फॉर्मूला मैंने आपको बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप सीबी का बता दिया है। हम आपके लिए ऐसे नए नए कंटेंट लेके आते रहेंगे। आप हमारी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी जानकारी आपको चाहिए इससे तो हमें कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो क्या लेके आए उसके लिए भी कमेंट करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत